मैडम मैडम उठो ना, मैडम मैडम उठो। तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी में आके बैठने की, मुझसे छेड़छाड़ करने की? मैडम मैंने तो आपकी जान बचाई है। मेरी जान बचाई है? मुझे हुआ ही क्या था, मैं तो आराम से गाड़ी में सो रही थी। मैडम आप तो आराम से सो रही थी, पर आपको नहीं पता आपकी गाड़ी पीछे जा रही थी, मैंने अंदर आकर ब्रेक लगाए थे इसके। अच्छा ब्रेक लगाए थे, मुझे समझा रहा है तू? मैं अच्छे से जानती तुम जैसे भिखारियों का इरादा। सबसे पहले तो तू मेरी गाड़ी से बाहर निकल, फिर तुझे मैं बताती हूँ। निकल जल्दी निकल। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में आपकी जान बचाई थी। तुझे तो मैं बताती हूँ, आज तेरी सारी अकड़ निकालती हूँ मैं। अरे मैडम आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तू ना 2 मिनट रुक, मैं मेरे पति को बुलाती हूँ, फिर वो तुझे बताएंगे कि छेड़छाड़ होती कैसे है। मैडम मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, मैंने तो आपकी जान बचाई है और आप मेरे ऊपर ही गलत इल्जाम लगा रहे हो, मैं क्यों आपके साथ गलत करूंगा? रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तेरा इलाज करती हूँ। मैडम प्लीज। हेलो आप जल्दी से नीचे आना, यहाँ पे एक बदतमीज मेरे से छेड़छाड़ कर रहा है। ठीक है मैं अभी आता हूँ। ठीक है मैडम। 1 मिनट में आ रहे हैं, फिर देखना तेरा क्या होता है। अरे आप क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं करा। तूने क्या किया और क्या नहीं मुझे अच्छे से पता है, अब चुप कर। क्या हुआ मुस्कान, किसने छेड़ा तुम्हें? ये खड़ा है ना साला गरीब, जबरदस्ती मेरी गाड़ी में आके बैठ गया। अच्छा तो तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू अब मेरी वाइफ को छेड़ेगा? अरे साहब आप मेरी बात तो सुनिए, मैंने इनके साथ कुछ नहीं करा, मैंने तो इनकी जान बचाई है। अच्छा जान बचाई है, गाड़ी में बैठकर कौन जान बचाता है? सच सच बता दे तेरा क्या इरादा था। भाई साहब गाड़ी पीछे जा रही थी, मैंने तो गाड़ी में बैठकर बस ब्रेक लगाए थे क्योंकि मैडम सो रही थी। गाड़ी कहीं पीछे नहीं जा रही थी, जब मेरी आँख खुली तब ये मेरे पास ही बैठा था। हाँ मैं आपके पास बैठा था लेकिन कोई गलत इरादे से नहीं, मैं तो आपकी जान बचा रहा था। अच्छा मान लिया तूने इसकी जान बचाई है, पर मैं तेरी बात पे विश्वास कैसे करूं? भाई साहब विश्वास तो अब मैं कैसे दिलाऊं आपको, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। अरे क्या हुआ प्रदीप, तुम इंटरव्यू बीच में छोड़ के नीचे क्यों आ गए? क्या बताऊं मैडम, मेरी वाइफ गाड़ी में रेस्ट कर रही थी और ये भिखारी उनके पास जाके बैठ गया और गलत हरकत करने लगा। क्यों भाई, ये जो बोल रहा है सच है क्या? नहीं मैम ये सच नहीं है, मैं यहाँ कितने सालों से काम करता हूँ, आप तो मुझे जानती है, मैंने आज तक कोई गलत हरकत नहीं करी तो आज क्यों करूँगा? जानती तो हूँ मैं तुझे कि आज तक तूने कोई गलत हरकत नहीं की, पर ये जो कुछ बोल रहे हैं उसके पीछे भी कोई वजह होगी ना? मैम बात बस इतनी है कि मैडम अपनी गाड़ी के अंदर सो रही थी और गाड़ी अचानक से पीछे चल पड़ी, मैंने तो बस गाड़ी के अंदर जाके ब्रेक लगाए थे और मैडम को जगाया था। अच्छा तुम सच बोल रहे हो ना, तो तुम्हारी सच्चाई का प्रूफ दो। मैम मैं गरीब आदमी आपको प्रूफ कहाँ से लाके दूँ, मैंने तो आपके बारे में अच्छा ही सोचा था, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। तुम रुको प्रूफ मैं देती हूँ, वो देखो सामने सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, मैं अभी चेक कर लेती हूँ कि क्या हुआ था। ये देखो ये है सच्चाई कि उस समय क्या हुआ था। देख लिया मैडम, मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपकी जान बचाई थी। सॉरी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अचानक से वहाँ देखकर डर गई थी, मुझे लगा शायद तुम कुछ गलत हरकत करने आए हो। हाँ भाई मुझे भी माफ कर देना, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम पे हाथ उठा दिया। कोई बात नहीं भाई साहब। ये तो अच्छा हुआ हम लोगों ने फुटेज देख ली, वरना पता नहीं हम लोग इसके साथ क्या करते। हाँ मैम आप सच कह रहे हो, अगर फुटेज नहीं मिलती ना तो हम लोग इसके साथ सच में कुछ गलत कर देते। यही तो दिक्कत है हम पैसे वालों की, किसी गरीब की बात पर यकीन करना तो दूर, हम उसकी बात सुनना भी नहीं चाहते। धन्यवाद मैम, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। कोई बात नहीं तुम जाओ, और प्रदीप आप मेरे साथ ऑफिस चलिए। हाँ चलिए मैम। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता।